दरभंगा जिले से है। लोकसभा चुनाव 2024 मतगणना 4 जून को होने वाली है, जिसके लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतगणना की तैयारी की है। मतगणना की तैयारी का जायजा लेने मीडिया की टीम पहुंची तो बीएसपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रतिनिधि लगातार जो 27 मई से इंजीनियरिंग कॉलेज में डटे हैं वह आश्वासित दिखे और उन्होंने कहा कि वह चाक चौबंद व्यवस्था के बीच ईवीएम पर नजर रखे थे। यह जरूर है कि 2-3 बार सीसीटीवी कैमरे बंद हुए लेकिन ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो पाई है। यह जरूर है कि अगर कोई बाधावगढ़ खजुराहों में बैठकर हैक करता है तो फिर अब की बात जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता ने परिवर्तन के लिए वोट डाला है। समरजीत सिंह संकू ने कहा कि अगर गड़बड़ी हुई तो भाजपा प्रत्याशी को जानबूझकर जिताया गया तो वह विजय जुलूस निकालेंगे तो हम लोग विरोध जुलूस निकालेंगे। वहीं एग्जिट पोल को लेकर प्रतिनिधियों ने कहा कि सिर्फ गोदी मीडिया ही भाजपा की बढ़त दिखा रही है जबकि परिवर्तन निश्चित है। आइए दिखाते हैं मतगणना के लिए चौक चौंकदक व्यवस्था और सुनते हैं कांग्रेस और बीएसपी प्रत्याशियों ने प्रतिनिधियों ने किस तरह से आशा व्यक्त करते हुए क्या चेतावनी दी है। कांग्रेस से हैं, कैसे अभी तक 27 तारीख से बैठे हैं आप लोग, कैसी व्यवस्था है और क्या कुछ देखने को मिला अभी तक, कोई ऐसी स्थिति कोई विवाद नहीं? ये व्यवस्था अच्छी थी, 1-2 दिन कैमरा बंद हुआ, कुछ लापरवाही किए कुछ लोगों ने, लेकिन हमारे स्ट्रांग रूम तरफ नहीं गए, न ताला टूटा ना कुछ हुआ, ये हम लोग स्वयं निगरानी कर रहे थे। क्रमबाई मैंने 3 आदमी रहते थे कांग्रेस में तो 8-8 घंटे करके हमारी ईवीएम तरफ कोई नहीं गए। कैमरा जरूर 2-3 बार बंद हुआ लेकिन छेड़छाड़ नहीं हुआ है। मतगणना होनी है कल, क्या मानते हैं कैसा रिजल्ट आने वाला? मतगणना होना है तो रिजल्ट हमारे कांग्रेस फेवर में आएगा, मतदाता ने कांग्रेस को वोट दिया है। अब एग्जिट पोल भाई जो बिका है मीडिया, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, वो निकाल रहे हैं लेकिन जनता ने वोट दिया कांग्रेस। हमारी लड़ाई बहुजन से है, पिछले 10 वर्षों से तो भाजपा ही आ रही है। भाजपा आ रही है ठीक है, तो वही तो परिवर्तन होगा इस बार। अरीवा में अक्सर देखिए इतिहास रचा गया है, हैं शास्त्री जी थे। कल मतगणना आने वाले हैं, रिजल्ट घोषित होने वाला है, उसके बाद अभी ये कल एक दिन पहले एग्जिट पोल भी आए, हाँ। क्या कहना है आप लोग पे? एग्जिट पोल जो हैं वो फर्जी हैं और उनके एग्जिट पोल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चहेतों के चैनल हैं उन लोगों ने एग्जिट पोल दिया है और एग्जिट पोल से हम लोगों को कोई भय नहीं है। एग्जिट पोल ये भी है कि लोगों को निराशा की जाए लेकिन हम लोग निराश होने वाले नहीं हैं, हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे और हम लोगों को जनता ने वोट दिया है, अब परिवर्तन के नाम से वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस और बीएसपी की लड़ाई है और जहाँ तक ये चल रहा है कि हैंग करने का, यहाँ हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी से 27 अप्रैल से लेके और आज तक डटे हुए हैं। अब कोई बांधवगढ़ खजुराहो से बैठ के हैंग कर ले उसके लिए हम लोग जरूर जिम्मेदार नहीं हैं लेकिन बाकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं और यदि गड़बड़ हुआ तो हम लोग घर नहीं जाएंगे यहाँ से। वो लोग प्रमाण पत्र लेके रैली निकालेंगे अपने विजय जुलूस, हम लोग विरोध जुलूस निकालेंगे। ये कैसे आप बोल सकते हैं कि बांधवगढ़ खजुराहो नहीं? वो तो हैंग करने के लिए तो ये इलेक्ट्रिकल में होता है कि कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ कर सकते हैं।
जैसे एग्जिट पोल अभी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आए थे वैसे ही इस बार भी आए हैं? नहीं, वो अध्यक्ष ने यही बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं था। एग्जिट पोल बिल्कुल झूठे हैं और एग्जिट पोल का जवाब जनता देगी और कल निकलेगा। एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931625789627582294253778577। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।